हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, यानी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। आज के इस टॉपिक में हम तीन चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 264 धाराएं हैं। हम सभी धाराओं को कवर नहीं करेंगे, जो धाराएं इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं धाराओं को कवर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका सीएमओ का डेट ऑलरेडी काफ़ी पास आ चुका है, आज से लगभग 30 दिन या 28 दिन का कुछ समय बचा हुआ है, तो सारे के सारे टॉपिक्स तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी प्लानिंग ये है कि ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता और इसके बाद आपका इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, ये दो टॉपिक कवर कराऊंगा। इसके पीडीएफ भी मैं तैयार करते रहा हूँ, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का पीडीएफ अभी ऑलमोस्ट तैयार होते आ गया है। इसके बाद आपका भारतीय दंड संहिता का पीडीएफ भी बनाऊंगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे आपका पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये चार टॉपिक जिसके वीडियो तो नहीं आएंगे लेकिन इसका पीडीएफ भी मैं बना रहा हूँ। इसके पीडीएफ बन जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी आपका इंडियन पिनल कोड और आपका ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, ये दोनों के वीडियो के बीच में ही आपके ये जो चार टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम और आपका आपदा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये चारों के पीडीएफ आएंगे। पीडीएफ हैंड रन रहेंगे, जिस तरीके से हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं उसी तरीके से पीडीएफ में भी आपको एक फ्लो डायग्राम के जरिए और आसान शब्दों में चीज़ों को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक, तो पीडीएफ आएगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। देखिए चैप्टर 2 जिसमें बताया गया है आपके राजस्व मंडल के बारे में, चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 में बताया गया आपके राजस्व मंडल के बारे में, इसमें आपका धारा 3 से लेकर के धारा 10 तक कवर होता है चैप्टर 2 में। देखिए चैप्टर 3 में बताया गया है आपका राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य का एक राजस्व मंडल होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का एक राजस्व मंडल होगा जो आपका एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बना होगा। देखिए धारा 3 क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक राजस्व मंडल होगा जो कि एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बना होगा। ठीक, तथा इस राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। याद रखिए अध्याय 3 क्या बोल रहा है, सॉरी धारा 3 क्या बोल रहा है आपका, सेक्शन 3 बोलता है कि छत्तीसगढ़ का एक राजस्व मंडल होगा जो कि एक अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बना होगा तथा इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ठीक, अध्याय 3 में यह बताया गया है। अध्याय 4 में बताया गया है कि मंडल का प्रधान स्थान, मंडल के प्रधान स्थान की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मंडल के प्रधान स्थान की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रधान स्थान की नियुक्ति मतलब एक जगह डिसाइड करना। ठीक, यानी मतलब जो आपका राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहां होगा, उसका सर्किट कोर्ट कहां होगा, यह डिसाइड करने का अधिकार भी आपके राज्य सरकार के पास है। तो आपका अध्याय 4 में यह लिखा गया है कि मंडल का जो प्रधान स्थान है उसकी नियुक्ति, मंडल के प्रधान स्थान की नियुक्ति भी आपका राज्य सरकार करेगा। देखिए अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज जिसे याद रखिएगा कि जैसे कि आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी में आप पढ़े होंगे कि छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है, यह है आपके बिलासपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है, आपके बिलासपुर में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट कहां है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट मौजूद है आपका रायपुर और जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट दो स्थान पर है, रायपुर और जगदलपुर बस्तर में। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट कहां है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट है आपका रायपुर और जगदलपुर में। देखिए सर्किट कोर्ट क्या होता है, जो भी आपके राजस्व मंडल से संबंधित जो वाद विवाद या जो मुद्दे हैं उसके निपटारे के लिए जो कोर्ट बनाया गया है वही है आपका सर्किट कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर और जगदलपुर। ठीक, देखिए नेक्स्ट धारा पाँच में आपका ये राजस्व मंडल के जो आपके अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें और योग्यताओं के बारे में बताया गया है। सेवा शर्तें और योग्यताओं के बारे में आपका धारा 5 में बताया गया है। देखिए ये जो योग्यता है आपका इसी धारा 5 की उपधारा, धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत आपका ये जो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो अध्यक्ष और जो सदस्य है उनकी योग्यताएँ बताई गई या उनकी अर्हता बताई गई है। देखिए योग्यता जो आपके इसके अध्यक्ष या सदस्य होंगे छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के, वो आपके हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो जो योग्यताएं होती है वो योग्यता होनी चाहिए इसके अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो, यानी एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होती है वही आपके राजस्व मंडल के अध्यक्ष या सदस्य बनने की योग्यता होगी। या देखिए, तीन इसमें योग्यता दी गई है, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। या राजस्व अधिकारी के रूप में वो अपनी सेवा दे चुका हो, ठीक, या फिर कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का पद 5 साल तक धारण किया हो। कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का पद यानी कलेक्टर के समतुल्य का पद वो कम से कम पाँच साल वह धारण किया हो, तो ये योग्यताएं है। एक तो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वो योग्यता होनी चाहिए, दूसरा राजस्व अधिकारी के रूप में वह अपना कार्य दे चुका हो, या फिर कलेक्टर के समतुल्य पद या कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का पद कम से कम 5 साल तक धारण किया हो, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धारा 6, सेक्शन 6 में आपके इस राजस्व मंडल के आपके अध्यक्ष और सदस्य, राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन 6 या धारा 6 बताया गया है कि आपके राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्य के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्व मंडल के वेतन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं, केंद्र की आपके संचित निधि भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि भारित होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों की संचित निधि भारित होते हैं, तो याद रखिएगा कि राजस्व मंडल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 7, सेक्शन 7 में ये जो आपके अध्यक्ष है और सदस्य है उनकी अधिकारिता के बारे में बताया गया, अधिकारिता या शक्ति के प्रयोग के बारे में बताया गया, यानी इस संहिता छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के द्वारा जो इन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं या जो शक्ति प्रदान किए गए हैं तो उन कृत्यों के निर्वहन वे किस प्रकार करेंगे, उनका अधिकार क्या है, उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धारा 3 जिसमें राजस्व मंडल के बारे में बताया गया है, धारा 4 जिसमें बताया गया है कि मंडल का प्रधान स्थान कहाँ होगा, धारा 5 जिसमें सेवा शर्तें और योग्यताएं बताई गई है राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की, धारा 6 जिसमें राजस्व मंडल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि में भारित होंगे, और धारा 7 जिसमें उनकी अधिकारिता के बारे में बताया गया है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अध्याय 3 जिसमें राजस्व पदाधिकारी उसके वर्ग तथा उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, अध्याय 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है, मैं धारा के हिसाब से नहीं चल रहा, वैसे आपका जो अध्याय 3 है उसमें काफ़ी कम धाराएं हैं, उसके धारा 3 के अलावा भी जो धाराएं शामिल है, जैसे आपका धारा 64, धारा 65, ये जो है ये आपके दूसरे अध्याय के पार्ट है, लेकिन मैं उसे भी यहाँ पे कवर कराते चल रहा हूँ। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो संभाग में बटा है, संभाग से नीचे का स्तर आता है आपका जिला, उसके बाद आता है आपका उपखंड, फिर आता है तहसील, फिर उसके नीचे के क्षेत्र आते हैं, ठीक। तो देखिए यदि आप पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे यानी कानूनी भाषा के शब्दों में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी कठिन है, तो इसलिए मैं इसे एक हायरार्की फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में इसे बता रहा हूँ, आसान शब्दों में इसे समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप धारा, इसमें एक है धारा 12 यानी सेक्शन 12 जिसमें नियंत्रण बताया गया, नियंत्रण जिसमें यह बताया गया है कि जो राज्य के जितने भी पदाधिकारी होंगे, राज्य के जितने भी राजस्व पदाधिकारी होंगे वो राज्य शासन के अधीन होंगे, जिले के जितने भी राजस्व पदाधिकारी होंगे वो कलेक्टर के अधीन होंगे, तथा खंड के जितने भी राजस्व पदाधिकारी होंगे या राजस्व अधिकारी होंगे वो संबंधित खंड के आयुक्त के नियंत्रण में होंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ चालू होता है, सबसे बड़ा होता है आपका संभाग, संभाग के बाद आता है जिला, जिला के बाद आता है उपखंड, उपखंड के बाद आता है तहसील, उसके बाद फिर उसके नीचे के राजस्व क्षेत्र। ये छत्तीसगढ़ का एक राजस्व का एक टेबल है, समझ के चलिए, ठीक, एक उसका फ्लो डायग्राम है। देखिए संभाग, इसमें देखिए धारा 14 और धारा 15, धारा 14 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक संभाग के लिए एक संभाग आयुक्त, प्रत्येक संभाग के लिए एक संभाग आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, प्रत्येक संभाग के लिए एक संभाग आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, तथा यह राज्य सरकार द्वारा निर्देशित
कार्यों का निर्वहन करेगा तथा संहिता में उल्लेखित अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा। लंबा है इसलिए मैं बोल रहा डायग्राम समझते चलिए, बताते जा रहा हूँ, डिटेल करते जा रहा हूँ, उसे भी समझना। देखिए धारा 14 में क्या लिखा है कि प्रत्येक संभाग यानी हर एक संभाग, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है तो हर एक संभाग, प्रत्येक संभाग के लिए एक संभाग आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी तथा यह राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा तथा संहिता मतलब ये जो आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है, संहिता में उल्लेखित अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका अपर संभाग आयुक्त, इसके बारे में बताया गया है धारा 15 में। धारा 14 में संभाग आयुक्त, धारा 15 में अपर संभाग आयुक्त क्या होता है? अपर संभाग आयुक्त एक एडिशनल, जैसे संभाग आयुक्त उसे कहा जाता है आपका कमिश्नर, जो आपका अपर संभाग आयुक्त है उसे कहा जाएगा एडिशनल कमिश्नर। यानी जो संभाग आयुक्त है, संभाग आयुक्त के कार्यों में सहायता करने के लिए होता है आपका अपर संभाग आयुक्त। देखिए धारा 15 में लिखा गया है कि एक संभाग या एक से अधिक या दो से अधिक संभागों के लिए एक अपर संभाग आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। देखिए संभाग आयुक्त में क्या कहा गया है, हर एक संभाग के लिए केवल एक ही संभाग आयुक्त होगा, लेकिन अपर संभाग आयुक्त के धारा में क्या लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक संभाग के लिए, यानी दो संभाग भी हो सकते हैं, तीन संभाग भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक संभाग के लिए आपके अपर संभाग आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा तथा यह राज्य सरकार तथा जो संभाग आयुक्त है दोनों के द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा तथा संहिता में उल्लेखित शक्ति और अधिकारों के प्रयोग कर सकता है। ठीक, ये दो चीज़ याद रखिएगा। जिला स्तर पर होता है आपका कलेक्टर। ठीक, जिलाधीश जिला स्तर पर होता है कलेक्टर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जो कलेक्टर होता है वो आपका जिला का आपका सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होता है। जिला का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये सभी के सभी आपके राजस्व पदाधिकारी है, लेकिन जिला स्तर पर कौन होता है? मुख्य कलेक्टर। तो जिला का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी कौन होता है यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो जिला का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होता है आपका कलेक्टर। ठीक, तो देखिए धारा 16 में क्या कहा गया है, धारा 16 में यह कहा गया है कि जिला स्तर पर आपका जो राजस्व पदाधिकारी होगा वह एक कलेक्टर होगा तथा यह जिले का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होगा। जिले का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा तथा संहिता यानी जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है, संहिता में उल्लेखित शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करेगा। यानी जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता द्वारा जो कलेक्टर को जो शक्तियां प्रदान की गई है, जो उसको अधिकार दिए गए हैं या जो उसका कार्य क्षेत्र उसका डिसाइड किया गया है उसका वह प्रयोग कर सकता है। ठीक, जिला स्तर पर ही होता है आपका अपर कलेक्टर मतलब एडिशनल कलेक्टर। तो इसके बारे में बताया गया है आपका धारा 17, धारा 16 में आपके कलेक्टर के बारे में बताया गया, धारा 17 में आपके एडिशनल कलेक्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए कलेक्टर की सहायता के लिए आपके होंगे एडिशनल कलेक्टर या अपर कलेक्टर। ठीक, जो कलेक्टर द्वारा, देखिए कलेक्टर जहां राज्य शासन द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन कर रहा था वहीं पर जो अपर कलेक्टर कलेक्टर द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी जो कार्य बताएगा ये कलेक्टर उन कार्यों को करेगा, इसके अलावा वो किसी और का ऑर्डर नहीं सुनेगा, राज्य सरकार का भी यह ऑर्डर नहीं सुनेगा। ये जो क्या बोला है इसमें, जो अपर कलेक्टर है वो कलेक्टर द्वारा निर्देशित कार्यों को करेगा। ठीक, यानी कलेक्टर की सहायता के लिए है आपका एडिशनल कलेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका उपखंड स्तर पर होगा आपका उपखंड अधिकारी, जिसके बारे में बताया गया है आपके धारा 22 में। उपखंड अधिकारी के बारे में बताया गया है आपके धारा 22 में। उपखंड अधिकारी प्रत्येक उपखंड में एक उपखंड अधिकारी होगा जो संहिता द्वारा प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेगा।
देखिए उपखंड स्तर पर एक से अधिक उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। उपखंड स्तर पर एक से अधिक उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यदि की जाती है तो वह अवैधानिक होगी। यानी जैसे आप देख रहे हैं इसमें अपर संभाग आयुक्त है, इसमें अपर कलेक्टर है, वैसे यहाँ पर ऐसा कोई भी पद नहीं होता और ना ही कोई ऐसा पद बना सकता है। इसमें सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है इस धारा नंबर इस धारा 22 में कि आपका उपखंड स्तर पर एक उपखंड अधिकारी होगा, एक से अधिक उपखंड अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, यदि की भी जाती है तो वो अवैधानिक होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका तहसील। तहसील स्तर पर होता है आपका तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार। देखिए सबसे बड़ा है आपका तहसीलदार, उसके नीचे उसकी सहायता के रहता है अपर तहसीलदार, उससे नीचे का पद होता है आपका नायब तहसीलदार। ठीक, तो देखिए जो तहसीलदार है, तहसीलदार कलेक्टर द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा तथा कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का वह उपयोग करेगा। ठीक, देखिए ये जो तहसीलदार है इसे कलेक्टर द्वारा भी शक्ति प्रदान की जाती है, कलेक्टर द्वारा इसे कार्य निर्देशित भी किए जाते हैं। ठीक, दोनों है, याद रखिएगा। तथा जो आपका संहिता है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, उसके द्वारा भी इसे कुछ शक्ति और अधिकार प्रदान होते हैं, लेकिन ये मेन किसके निर्देशों पर कार्य करता है, ये करता है आपके कलेक्टर के निर्देशों पर। ठीक, वैसे ही आपके तहसीलदार की सहायता के लिए एक होगा आपका अपर तहसीलदार, यानी बोल सकते हैं एडिशनल तहसीलदार। ठीक, उससे नीचे का पद होता है आपका नायब तहसीलदार। इन तीनों के बारे में संयुक्त रूप से बताया गया है आपका धारा नंबर 19 में। तहसील स्तर पर एक तहसीलदार होगा जो कलेक्टर द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा तथा संहिता द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और उसको जो कार्य दिए गए हैं, अधिकार या जो शक्तियां प्रदान की गई है उसको भी ये प्रयोग कर सकता है। ठीक, देखिए फिर इसके नीचे के जो भी क्षेत्र है वो आते हैं आपके राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत। देखिए बंदोबस्त और अपर बंदोबस्त। बंदोबस्त ये जो है ये आयुक्त है, यहां लिखा नहीं है, ये है आपका बंदोबस्त आयुक्त, ये है आपका अपर बंदोबस्त आयुक्त। ठीक, बंदोबस्त आयुक्त और अपर बंदोबस्त आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त और अपर बंदोबस्त आयुक्त क्या होते हैं? देखिए जो बंदोबस्त आयुक्त है ये राजस्व परिमाप की प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हैं, बस इतना ही याद रखिए, राजस्व परिमाप की प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हैं। ये जो आपका बंदोबस्त आयुक्त है, अपर बंदोबस्त आयुक्त है, बंदोबस्त अधिकारी है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी है, ये पद हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 62 में, आपका अपर आयुक्त तथा धारा 62 में आपका बंदोबस्त आयुक्त और धारा 63 में आपका अपर बंदोबस्त आयुक्त के पद के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें यह कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके बंदोबस्त आयुक्त और अपर बंदोबस्त आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी यह पद नहीं है। ठीक, वैसे ही है आपका धारा 64 में बताया गया है आपका बंदोबस्त अधिकारी और सहायक बंदोबस्त अधिकारी, यानी जो बंदोबस्त अधिकारी की सहायता के लिए होंगे वो होगा आपका सहायक बंदोबस्त अधिकारी। ठीक, तो ये भी वो सेम है। अभी ये जो बंदोबस्त शब्द जो आप सुन रहे हैं इसे भी जो ये जो पद है ये पद अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। धारा में लिखा जरूर गया है कि आवश्यकता पड़ने पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके इस पद का सृजन कर सकता है। ठीक, उसके बाद है फिर आपका है धारा 20 में है आपका भू अभिलेख अधीक्षक के बारे में आपका धारा 20 में बताया गया है। ठीक, देखिए बीच में आपके दो जो धाराएं हैं वो आगे पीछे हुए, जैसे 14, 15, 16, फिर 22 के बाद इधर आ रहा है आपका 20, फिर बीच में आ गया है कहीं से 62, 63, 64। ठीक, ऐसे बीच बीच में आ गए हैं, तो धाराओं को याद करने का काम आपका है। चीज़ों को मैंने सरल बनाया है, सरल बनाने के लिए धाराएं आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो आसान शब्दों में पढ़िए, थोड़ा सा धारा को याद करने में दिक्कत जाएगा लेकिन करिएगा। ठीक, देखिए तो ये होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना, जिले का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी कौन होता है पूछा जाए तो जिले का सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी होता है आपका कलेक्टर। देखिए
ये होता है आपका अध्याय 3 पूरी तरीके से समाप्त। अब आता है आपका अध्याय 4, राजस्व अधिकारियों व राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया। राजस्व अधिकारियों या राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया, जैसे इसमें धारा 27 में बताया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच और सुनवाई की सीमाएं बताई गई है। धारा 27 में राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच और सुनवाई की सीमाएं बताई गई है, यानी एक जो राजस्व पदाधिकारी होंगे, देख रहे हैं ये जितने सारे इतने सारे ये सभी के सभी आपके राजस्व पदाधिकारी या राजस्व अधिकारी है, तो इनका एक क्षेत्र डिसाइड किया गया है, इनके द्वारा दिए गए निर्देश, इनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, तो इनका एक क्षेत्र डिसाइड किया गया है। ये अपने जो डिसाइड क्षेत्र है, जो निर्धारित क्षेत्र है, उसी के अंडर में वो किसी मुद्दे पर आदेश दे सकते हैं या उस मुद्दे से संबंधित कार्यवाही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी को मालूम होगा जिला स्तर पर कलेक्टर होता है, उसके नीचे फिर तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नीचे आपका पटवारी होता है। तो देखिए पटवारी के अंडर जो पटवारी का जो क्षेत्र डिसाइड किया गया है, पटवारी के अंदर पे यदि कोई वाद विवाद या कोई मुद्दा आता है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार या उस पर कार्यवाही करने का अधिकार आपका पटवारी का है। वैसे ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अंडर में जो भी आपका मुद्दा आएगा उस पर निर्णय लेने का अधिकार, उस पर कार्यवाही करने का अधिकार, उस पर जांच या सुनवाई करने का अधिकार आपका वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का होगा। वैसे ही तहसील, अब मान लीजिए तहसीलदार के पास कोई एक मुद्दा आया है, अब उस पर जांच और सुनवाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि तहसीलदार से ऊपर कौन है, कलेक्टर, तो कलेक्टर उस पर जांच और सुनवाई नहीं कर सकता। कलेक्टर जैसे तहसील का कोई मामला है, तहसील के किसी मामले पर जांच या सुनवाई जो है ये इसका अधिकार किसको है, इसका अधिकार है तहसीलदार को। कलेक्टर इस पर जांच और सुनवाई नहीं कर सकता। कलेक्टर भले आदेश दे सकता है तहसीलदार को कि आपके तहसील का ये जो मुद्दा आया है उस पर जांच कीजिए, सुनवाई कीजिए, लेकिन इसके जांच और सुनवाई को कलेक्टर अपने अंडर पे नहीं मंगा सकता या इसके जांच और सुनवाई को कलेक्टर नहीं कर सकता। ठीक, यानी सभी के सभी राजस्व अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्र को इस धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, केवल एक राजस्व पदाधिकारी को छोड़कर, कौन सा है, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी के अंतर्गत SDM या SDO आते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जिला स्तर पर एक छोटे न्यायाधीश, जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, एक छोटे न्यायाधीश के तौर पर जो कार्यों का निर्वहन करता है वो होता है आपका उपखंड अधिकारी, यानी SDO या SDM, छोटे स्तर पर एक जिला न्यायाधीश के तौर पर यह कार्य करता है। तो ये जो है उपखंड अधिकारी के अंडर में या इसके जिले के अंडर में SDO या SDM के अंदर पे जो आपके मुद्दे आएंगे उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है। यानी धारा 27 के अंतर्गत जो आपका एक पदाधिकारी है, कौन है, उपखंड अधिकारी, उसे छूट प्रदान किया गया है। यानी वो अपने अंडर, अपने जिले के अंडर आने वाले किसी भी मुद्दे पर वो जांच सुनवाई के आदेश दे सकता है। ठीक, लेकिन जो जो जिसका जिसका जो क्षेत्र डिसाइड किया गया है, यानी तहसीलदार के जो क्षेत्र का जो जांच और सुनवाई है वो कलेक्टर नहीं कर सकता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो क्षेत्र डिसाइड है उस पर जांच सुनवाई तहसीलदार नहीं कर सकता, और पटवारी के क्षेत्र पर आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर जांच और सुनवाई नहीं कर सकता, सबका क्षेत्र डिसाइडेड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका धारा 31। धारा 31 के अंतर्गत आपके राजस्व न्यायालय के बारे में बताया गया। राजस्व न्यायालय, देखिए राजस्व पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ही राजस्व न्यायालय कहलाती है। यानी उनके अंडर में यदि कोई वाद विवाद या कोई मुद्दे आते हैं तो उसका निपटारा यदि वह करते हैं तो वो एक राजस्व न्यायालय के तौर पे करेंगे। यानी जैसे आप सभी को मालूम होगा न्यायालय, न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश उस जैसे कोई वाद विवाद या कोई मुद्दा आया तो उसे संबंधित एक आदेश देता है या कोई दंड देता है, है ना, तो ये होता है आपके न्यायाधीश का कार्य। तो वैसे ही ये है आपका राजस्व न्यायालय। यानी इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई राजस्व पदाधिकारी यदि कोई कार्यवाही करता है तो वह एक राजस्व न्यायालय है। ठीक, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये राजस्व न्यायालय किस धारा में बताया गया, धारा 31 के अंतर्गत बताया गया है। जितनी के जितने आपको बताया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट चीज ही हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।